एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत स्ट्रांग और बहुत पॉजिटिव होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक क्विक पोटैटो रेसिपी ही है। जी हाँ, एक पोटैटो स्नैक रेसिपी, एंड फॉर श्योर इज अ क्विक फिक्स फॉर योर टेस्ट बड्स व्हेन दे आर क्रेविंग फॉर समथिंग चाइनीज। तो चलिए देर नहीं करते और जल्दी से देखते हैं हमारी रेसिपी जो कि है पोटैटो मंचूरियन। पोटैटो मंचूरियन के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज पोटैटोज, साथ में 2 कलर्ड बेल पेपर्स, 2 स्प्रिंग अनियंस, थोड़ी सी श्रेडेड कैबेज, और साथ ही मैंने ले लिया है 1/2 अनियन एंड 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। साथ ही हमें चाहिए 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1/2 टीस्पून नमक, सेसमी सीड्स थोड़े से, और इनके साथ मैंने ले लिया है चिली सॉस, थोड़ा सा टमेटो केचप, विनेगर, सोया सॉस और चिली फ्लेक्स। तो यहाँ मैंने सब वेजीज को काट लिया है और अब हम बनाना शुरू करते हैं पोटैटो मंचूरियन। सबसे पहले यहाँ पोटैटो क्यूब्स जो मैंने काटे थे उनको मैंने बोल में ले लिया है, और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च। इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैं तकरीबन 1-2 टीस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नस्टार्च का यूज़ ना करके सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोटैटोज़ जो हैं ये अच्छे से कोट हो गए हैं। अब पैन में मैंने ले लिया है ऑयल और यहाँ पे हम पोटैटोज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं पोटैटोज डाल रही हूँ ऑयल में, और इन पोटैटोज को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। ऑयल यहाँ हमने मीडियम टू हाई रखना है। तो यहाँ मैं सब पोटैटोज को डाल देती हूँ और इन्हें फ्राई होने देते हैं। यहाँ पोटैटोज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अच्छे क्रिस्प हो गए हैं। तो इस स्टेज पे अब मैं इन पोटैटोज को निकाल लूँगी। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे पैन और इसमें ऑयल गर्म हो गया है, तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड गार्लिक। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पोटैटो मंचूरियन जो है वो बनाते समय हमारे गैस का फ्लेम जो है वो हाई होगा, तो सब वेजीज हमें फटाफट इसमें ऐड करनी है और फ्लेम को हाई ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कि गार्लिक ब्राउन होना शुरू हो भी गया है क्योंकि पैन अच्छा गर्म है। और इस स्टेज पे इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी चॉप्ड अनियन। तो यहाँ चॉप्ड अनियन भी डाले जब हमें अप्रॉक्सीमेटली 10-12 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ हमारे बाकी के वेजीज जो कि हैं कैबेज एंड कलर्ड बेल पेपर्स, और इन्हें भी हमने क्विकली टॉस कर देना है। तो अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, साथ ही में सोया सॉस, चिली सॉस, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमेटो केचप। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी और इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कुछ 15 टू 20 सेकेंड्स हम इस ग्रेवी को, इस सॉस को ऐसे ही पकने देंगे। तो यहाँ पानी में बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्लरी, जो कि मैंने 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च में थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक स्मूथ स्लरी बना लिया है। तो यहाँ वो स्लरी मैं ऐड कर रही हूँ और स्लरी ऐड करने के बाद अब मैं ग्रेवी को मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लरी डालते ही जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिकन होने लग गई है। इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट, और सॉल्ट आप थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डाली है। और अब हम ऐड कर रहे हैं हमारे फ्राइड पोटैटोस और इनको एक क्विक स्टर देंगे हम। मंचूरियन की बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो आने लग गई है और इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्प्रिंग अनियंस। इन्हें भी मिक्स कर देंगे। और कितना सुंदर और कलरफुल लग रहा है ये। तो चलिए जल्दी से करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। तो लीजिए, पोटैटो मंचूरियन इज रेडी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एंड एन्जॉय इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।